कैसे हैं सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो जब भी सुन रहा हो उसके लिए लागू हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी चल रही है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की जो अभी चर्चा हो रही है वो हो रही है कि व्हाट विल हैपन फॉर एमसीक्यूज। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट EISSM है और आ गई है बात क्योंकि एमसीक्यूज पे, तो एमसीक्यूज के अंदर कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन जो है ICAI ने बहुत रिसेंटली रिलीज करी है एंड आई थिंक वी ऑल शुड टॉक अबाउट इट। सो द फर्स्ट थिंग दैट दे आर कमिंग अप विद इज द केस स्टडीज पार्ट। तो इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है कि दो नंबर के कुछ केस स्टडी के क्वेश्चन हमको मिलेंगे। अब केस स्टडी के क्वेश्चन कितने मिलने चाहिए उस पर थोड़ा सा डिबेट हो जाएगा क्योंकि सर कितने मार्क्स का आएगा, किस हिसाब से आएगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट वन थिंग कि दोनों में EIS के अंदर और SM के अंदर चार चार क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स की केस स्टडीज के हिसाब से आने चाहिए। सो दैट मेक्स इट 8 एंड 7 क्वेश्चंस जो हैं, 7 क्वेश्चंस ये आ जाने चाहिए आपके पास में 1 मार्क ईच। तो ये 2 नंबर और ये 1 नंबर के हिसाब से इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आने की आशंका है या आशाएं मैं कह सकता हूं, जता सकते हैं हम लोग। 15 मार्क्स ऐसे और 15 मार्क्स ऐसे। अगेन सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहूंगा कि देखो एमसीक्यू चाहे आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट्स आपके हैं स्ट्रॉन्ग तो आपको एमसीक्यूज की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एमसीक्यूज लॉन्च होते रहेंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज करने से कुछ नहीं होता। मैं ऐसा देख रहा हूं कि कोई 1500 एमसीक्यूज लॉन्च हो रहे हैं, कहीं 2000 एमसीक्यूज लॉन्च हो रहे हैं, नॉट अबाउट माई सब्जेक्ट बट अबाउट अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। आई स्टिल हैव एन ओपिनियन कि भैया कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब भी तैयारी करें, मैं आपसे बोल रहा हूं कि एमसीक्यू ओरिएंटेड तैयारी ना करके आप एक तैयारी उस हिसाब से करें कि हाँ आपको देखना है कि लास्ट डे के अनुसार आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को लेकर के आपको कितना पढ़ना है। अगर आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे तो आपको एक तकलीफ होगी कि आपके एग्जाम प्रेपरेशन में आपको इश्यूज आएंगे। एंड कंसिडरिंग दैट ये 30 मार्क्स का है, मैं आपको डेफिनेट बात कह सकता हूं कि जो भी जना ढंग से पढ़ेगा, जो भी क्लासेस ढंग से अटेंड भी करता है या जो भी मेरी क्लासेस या जो भी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑडियो वीडियोस अवेलेबल हैं, वो जिन्होंने भी ढंग से देखे हैं, मैं कह रहा हूं उनके 25 नंबर तो इसमें आएंगे ही आएंगे। हमें जो एक्चुअल में बोलूं कि जितना हमें एफर्ट लगाना है वो इन चार चार क्वेश्चन पे लगाना है, बट स्टिल आई वुड से कि भाई ये 16 नंबर जो है उसमें से भी कॉन्सेप्ट जिसका स्ट्रांग है वो 90% क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा, उसको इतना ज्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि काफी जगहों पे दिक्कत आती है कि क्वेश्चन सॉल्व करके ही बच्चे को पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं, क्या बात हो सकती है, तो इसके ऊपर हम लोगों को जितनी इंफॉर्मेशन है अभी तक, मैं ये बोल रहा हूं कि विद इन नेक्स्ट 10 डेज ICAI इटसेल्फ विल कम विद अ लॉट ऑफ मटेरियल और वो लोग बहुत सारा मटेरियल इस पे उतारने वाले हैं जिसमें वो एमसीक्यूज को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। आप भी जानते हैं कि ICAI को अपने मैट से और अपने जितना भी है उससे बहुत ज्यादा लगाव है और वो उसमें से ही मेजर चीजें टेस्ट करते हैं। एंड ऑन पायलट बेसिस मैं ऐसा भी बोलूंगा क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आप मान के चलिएगा कि ICAI जो है अपने मैट को ज्यादा प्रीफर करेगा या अपने दिए गए क्वेश्चन को ज्यादा प्रीफर करेगा। हाउएवर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कम से कम आपको केस स्टडीज करा देनी चाहिए, कम से कम केस स्टडीज के 20-20 क्वेश्चन हम आपको सैंपल प्रैक्टिस जरूर कराएं जस्ट बिफोर कि ICAI कुछ दे, उससे पहले 20-20 क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क्स के हिसाब से केस स्टडीज के हम आपको लाइव सेशन के थ्रू या फिर रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, खासकर एल्डाइन के माध्यम से भी। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं बहुत ही जल्द ये सब कुछ लॉन्च करने वाला हूं और हमारे सारे बच्चे एल्डाइन हो या नॉन एल्डाइन हो सभी को कुछ फायदा होने वाला है। हम कुछ 20 क्वेश्चंस हैं वो EIS के और केस स्टडीज के जो 20 क्वेश्चंस हैं वो SM के लिए मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला हूं और ये सभी बच्चों को काम आएंगे, ये सभी बच्चों के काम के होंगे। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा वो ये सारी चीजें कर सकता है, जिसका कॉन्सेप्ट वीक होगा उसको दिक्कत आएगी। तो MCQ एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, MCQ एक एडेंडम है। प्लीज इस बात का ध्यान रखें क्योंकि बहुत बच्चे जो है मिसगाइड हो रहे हैं ये सोच सोच के कि MCQ ही सब कुछ है, राइट? अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है और आपको यहाँ पे सब कुछ आ रहा है तो MCQ उसका एक बाय प्रोडक्ट है। सी आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस ऑफ MCQ आल्सो, क्योंकि अभी DISA का भी एग्जाम मैंने दिया था, तो इट वॉज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट।
ठीक है, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज एंड प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज, 1000, 2000, 7000, 8000 एमसीक्यूज के क्वेश्चन बैंक्स मिल जाते हैं. आपको भी पता है कि इट इज इम्पॉसिबल ऑन द लास्ट डे टू कवर ऑल दीज थिंग्स, और उसके फिर पास होना मुश्किल होता है. तो अगेन मैं बारंबार ही आपको ये बोलूंगा, कॉन्सेप्ट इज द किंग, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करें. प्लस इंस्टीट्यूट जो मैट निकालेगा कॉन्सेप्ट के साथ में, जो इंस्टीट्यूट अपना 10-15 दिन में जो भी कुछ लॉन्च करने वाला है मटेरियल रिगार्डिंग एमसीक्यूज, उसको बहुत सीरियसली ले, क्योंकि वो आपको हर सब्जेक्ट में बहुत ही यूजफुल और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. और उसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दे रहा हूं, तो आपको उससे एमसीक्यूज का काम डेफिनेटली बन जाएगा. अगर आपको और एमसीक्यूज चाहिए कॉन्सेप्ट के तो वो आएंगे, लेकिन डेफिनेटली दैट इज फॉर अ रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस, या फिर उसको किस तरह से हम लोग देंगे हम आपसे डिस्कस जरूर करेंगे. लेकिन ऑन दिस नोट आई वुड डेफिनेटली से कि ये जो भी चीजें आ रही हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं. और कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज, केस स्टडी बेस्ड, हम लोगों ने क्लास में भी जब पढ़ाया था तो डिस्कशन करा था अबाउट अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज दैट वर फॉर 1 मार्क्स ईच. तो 1 मार्क्स का इतना एमसीक्यूज इतना मुश्किल आने नहीं वाला है, जेनेरिक नेचर का होने वाला है सिर्फ. ठीक है, आपको बहुत आसान हो जाने वाला है आपका कंपल्सरी क्वेश्चन. साथ के साथ नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है. तो मैं नेगेटिव मार्किंग भी लिख के काट देता हूं, मैं कहता हूं है नहीं, और एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं है रिक्वायर्ड, तो आपकी अपॉर्चुनिटी और भी स्ट्रांग होती है. तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज हैं और उसकी कुछ केस स्टडीज जो मैं आपको कराना चाहता हूं, वो किस किस तरह से आएंगी, वो आपको समय पे सही तरीके से आपको मालूम चल जाएगा कि किस किस तरह से आएंगे. और जरूरी नहीं है कि मैं एक ही सेशन में सारे करवाऊं, मैं कुछ ब्रेक करके सेशंस में आपके साथ में कुछ एमसीक्यूज और ये सारी चीजें डिस्कस कर सकता हूं. तो लेट्स सी हाउ आई विल डू इट एंड हाउ आई विल प्लान इट. लेकिन हाँ, आपके पास में जरूर से इन चीजें आ रही हैं. मैं 20-20 क्वेश्चंस तो आपको कराने का पूरा प्रयास करूंगा ही करूंगा. और केस स्टडीज जो होंगी वो बहुत ही हाई लेवल केस स्टडीज होंगी, जहां पे हम लोग अपने लेवल से एक चीज ऊपर बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपना कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सको. अगेन दिस इज फॉर टेस्टिंग, दिस इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन की एज सच क्वेश्चन उठ के आएगा, ऐसा कोई गारंटी कोई नहीं ले रहा है, ना मैं दूंगा. मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हम जो क्वेश्चन बनाएंगे उससे आपको एक दिमाग खुलेगा कि यार इसमें इस तरह से भी पढ़ सकता है. एक एटीट्यूड होता है ना जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जो आप लोगों को क्रिएट करना चाहिए, वो स्केप्टिसिज्म के एटीट्यूड से पढ़ने की जो है आपको एक मानसिकता क्रिएट होगी इन क्वेश्चन से. मैं अगेन बोल रहा हूं दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर व्हाट विल हैपन इन द एग्जामिनेशन, बट इट विल ओनली हेल्प यू टू डिराइव वेज हाउ टू स्टडी for your examination. So I hope you can understand what I mean to say regarding this, and we'll be taking up all of these activities very soon, pretty soon. मैं आप मान के चलिए 2-3 दिन में आपके पास में कुछ ना कुछ इनके ऊपर और अपडेट्स आएंगी, और मैं आपके साथ में इनको डिस्कस जरूर से करने वाला हूं. तो प्लीज जितने भी लोग मुझसे पढ़ते हैं या जितने भी लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं इन चीजों को, वो प्लीज थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि उनको एक बहुत ही सही चीज मिलने वाली है, बहुत ही ऐप चीज मिलने वाली है, और उनके बहुत काम आएगी. तो मैं बस उनको इतना सजेस्ट करूंगा दैट दे शुड वेट एंड वॉच फॉर द राइट थिंग टू कम अप. तो और ये आपको बहुत फायदा कराएगा. तो मैं आपको एमसीक्यूज आपके स्टार्ट होने वाले हैं मान के चलिएगा परसों से या उसके नेक्स्ट डे से, और वो बहुत ही धाकड़ टाइप के एमसीक्यूज हम आपको कुछ केस स्टडीज के फॉर्म में कराएंगे. बहुत मजा आने वाला है, एबीसीडी छांटने में तकलीफ होने वाली है, मैं पहले से कह दे रहा हूं, इसलिए पढ़े जरूर. तो मैं आपको केवल इतना बोलूंगा दैट यस यू शुड रिवाइज. सबसे पहले मैं एसएम से स्टार्ट करूंगा, तो जो लोग बच्चे मेरे पढ़ चुके हैं वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को रिवाइज जरूर करके रख लें, ताकि उससे आपको फायदा होगा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में. अच्छा सर, ये तो बात होती है केस स्टडीज की, और ये आपने कर दी है पूरी. इसके अलावा एक फाइनल अनाउंसमेंट ये है कि हम जो है एक फेस टू फेस बैच भी लॉन्च कर रहे हैं जयपुर के अंदर. और जयपुर EIS SM जो भी पढ़ना चाहते हैं, मेरी क्लासेस नेक्स्ट डे यानी कल से ही 15 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, और स्टार्ट हो रही हैं 9 बजे से लेकर मॉर्निंग 9 AM टू 11:30 AM. और ये जो क्लासेस हैं ये आपको मिल जाएंगी CP कॉमर्स क्लासेस पे. तो ये जो क्लासेस हैं ये आपको जयपुर में मिल जाएंगी CP कॉमर्स क्लासेस में. SM जो है वो IT हो या EIS हो, यानी ओल्ड एंड न्यू के लिए चलेगा कॉमन, लेकिन उसके बाद हो जाएंगी क्लासेस स्प्लिट. तो प्लीज बी रेडी फॉर दैट एज वेल. एंड SM जो है उसमें आपको कॉमन रखना है, और उसमें आपका काम हो जाएगा इकट्ठा, कोई दिक्कत है नहीं. और बाकी जो है हम क्लासेस आपकी करवाएंगे स्प्लिट. ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूं कि ये बात हो जाती है हमारी पूरी, और उसके अलावा जो हमें डिस्कशन करना था वो भी हो जाता है ओवर. तो मैं कह रहा हूं कि हम आगे बढ़ सकते हैं अब अपनी बातों पे, और साथ ही के साथ मैं कहूंगा आपको अलविदा.